तो गाइज आज के ज़माने में, आज की डेट में अगर आप कोई भी टैब लेना चाहती हो तो आप अगर कोई भी वेबसाइट, जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट हो गया, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, तो वहाँ पर आप अगर टैब बोल के अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड टैब शो हो जाएगा। एक बड़े ब्रांड जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है Xiaomi। Xiaomi की तरफ से ट्वीट हो गया है नया टैब रिलीज़ करने वाला है, जो इसी अप्रैल में रिलीज़ करने वाला है। तो जो नया टैब होगी वो है Mi Pad 5। बट यहाँ पर जो 5 बात आई है, तो यहाँ पर आपको 5 के साथ साथ आपको सीरीज़ भी देखने को मिल जाएंगे, जी हाँ, Mi Pad 5 सीरीज़। तो गाइज मैं आपको एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, जो Mi 5 सीरीज़ आती है, तो बहुत सारे स्मार्टफोन में क्या होती है, जो आपका जो सीरीज़ होती है उसमें आपको एक प्रो मॉडल, दूसरा नॉन प्रो वर्सन देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जी हाँ, प्रो वर्सन में भी आपको 2 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, 2, जी हाँ, जहाँ पर आपको एक प्रो वर्सन, एक नॉर्मल प्रो वर्सन, और दूसरी आती है आपका प्रो जो 5G, जी हाँ, आई होप कि उसमें आपको 5G ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो गाइज इसका जो फीचर स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स है काफ़ी तगड़ी है, और इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाली है, इसका जो डिस्प्ले आती है वो काफ़ी बड़ी डिस्प्ले होगी, और जो इसमें बैटरी वगैरह और जो कैमरा सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाली है। ये Xiaomi क्लेम कर रहा है इसमें आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर पाओगे। तो गाइज चलिए बिना देर के इसका स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। और गाइज बताने से पहले, सब कुछ बताने से पहले और एक बात मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, पहली बार अगर चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए। इस चैनल में जब भी नया इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होगा तब आपके पास सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो Mi Pad जो 5 है उससे स्टार्ट करते हैं। तो Mi Pad 5 में आपको 11 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे, जो WQXGA टाइप डिस्प्ले होगा, और साथ ही साथ इसमें आपको रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिलती है, जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एंड जो टच सैम्पलिंग जो रेट देखने को मिलती है वो आपका 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको HDR 10 प्लस सपोर्टेड होगा। और साथ ही साथ यहाँ इसका अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो एक एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 SoC में आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है, और इस साथ ही साथ आपको एड्रोनो 640 GPU ग्राफिक देखने को मिलती है। और अगर पेयर हुई तक रैम एंड स्टोरेज के मामले में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 6GB रैम एंड 2 वेरियंट आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो आपका 128GB एंड 256GB, और इसमें आपको MIUI 12.5 वर्जन Android 11 OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 8720 mAh में बैटरी देखने को मिल जाएंगे विथ 33W का फास्ट चार्जर के साथ। और गाइज ये जो टैब होगा इसका थिकनेस आपका 6.85 mm में आपको थिकनेस देखने को मिल जाएंगे, जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन का थिकनेस होती है। और जहाँ तक इसका बात आती है वेट की, तो इसमें आपको 511 ग्राम इसका वेट देखने को मिल जाएगा। और जो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल की, तो गाइज जो Mi Pad 5 है उसमें आपको बैक साइड में आपको सिंगल कैमरा ऑन द बैक साइड देखने को मिल जाएंगे, जी हाँ, बैक साइड में जस्ट आपको सिंगल कैमरा जो 13 MP में आती है, और सेल्फी में आप 8 MP में कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो इन डिस्प्ले कैमरा होगा, जो फ्रंट कैमरा। और साथ ही साथ अगर वीडियो, जैसे कि आपको बताया 4K वीडियो, तो इसमें भी आप 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाओगे, जो Xiaomi की तरफ से क्लेम कर रहा है। और साथ ही साथ जो आपको और भी 2 मॉड्यूल के बारे में बताया, और भी काफ़ी फीचर्स है वो आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्मार्टफोन में आती है, क्या आती है, वो 3.5 mm का ऑडियो जैक। बट यहाँ पर जो ऑडियो जैक आपको देखने को मिल जाएंगे वो आपका USB टाइप सी पोर्ट होगा, और इसमें जो स्पीकर लगा हुआ है इसमें आपको क्वाइड सेटअप में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, यानी 4 स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे। और कनेक्टिविटी के बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ में आपको 5G 4G 3G सब कुछ सपोर्टेड है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह वो सभी कुछ सिमिलर है गाइज, तो आई होप कि वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं जो प्रो वर्सन है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो प्रो वर्सन है इसमें आपको जैसे बताया 2 आएगा, एक प्रो वर्सन, एक आएगा प्रो 5G वर्सन। तो यहाँ पर सिर्फ आपका
काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन सिमिलर है, बट उसको कैमरा मॉड्यूल और प्रोसेसर को छोड़ के दो जो प्रो मॉडल होगा, जी हाँ 50 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, यानी काफ़ी तगड़ी कैमरा मॉड्यूल होगा जो 5G मॉड्यूल होगा। और इसमें आपको आई होप कि इसमें आपको 5G ब्रांडिंग भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो दो प्रो मॉडल होगा इसमें आपको जो बैटरी कैपेसिटी होगा वो 8600 mAh में बैटरी होगा, जिसमें आपको 67W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या आपको सुनने को मिला, एक्चुअल में कन्फ्यूजिंग पैड। जी हाँ, एक तो प्रो मॉडल आएगा, दूसरा एक 5G, और जो मी पैड 5 होगा उसमें भी आपको दो वेरिएंट हो सकती है, क्योंकि आपको 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB इंटरनल स्टोरेज, यानी उसमें आपको दो वेरिएंट, मतलब वेरिएंट के ऊपर और वेरिएंट। सो गाइज बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आप जब भी इस टैब को बाई करो तो आप देख लेना उसमें आपको कितना GB रैम, कितना GB स्टोरेज वगैरह है, कंप्लीट डिटेल्स में दिया रहता है। तो आप जरूर इस चीज़ को नोट कीजिए और उसका प्राइस नोट कीजिए, उसके बाद आप देखिए जो कौन सा प्राइस के अंदर कौन सा टैब अच्छी आएगी। सो गाइज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।